नमो नमः। सुप्रभातम् सर्वे छात्राः। सर्वे छात्राः अस्मिन् कक्षायां हार्दम् स्वागतम्। बच्चों, आप सभी लोगों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। अद्य दिने वयं सर्वे जनाः व्याकरण पुस्तिकायां पाठ क्रमांक त्रयः धातुरूप प्रकरणं पठिष्यामः। बच्चों, अद्य दिने आज के दिन हम आपके व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 3 धातु रूप प्रकरण पढ़ेंगे। ये प्रकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जो लेसन का नाम है धातु रूप प्रकरण, इस धातु का अर्थ क्या होता है, धातु किसे कहते हैं, धातु कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, हम इसे विस्तार में देखेंगे। तो धातु उसे कहते हैं किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता हो, उसे धातु कहते हैं। धातु को ही अगर हिंदी कहना हो तो धातु को क्रिया कहा जाता है। अब इस क्रिया के अनेक रूप चलते हैं, ठीक है ना। आपको याद आ रहा होगा कि जो हमने पिछली तासिका देखी थी, उस पिछली तासिका में भी आप लकार से परिचित हो चुके हैं। लकार तो वैसे सबसे पहले हम धातु देखते हैं। धातु बहुत सारे हैं, अनगिनत धातु है। धातु का अर्थ क्रिया, सबसे इजी लैंग्वेज अगर हम देखेंगे कि धातु का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम करना, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, पीना, खेलना, ये सब क्रिया है। अब इसी क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु। तो धातु को क्या कहेंगे, पठ, पढ़ना, इसका क्या होता है पढ़ना। चल, चल का अर्थ क्या है चलना। ध्वज का अर्थ क्या है बोलना, ठीक है। हस्त का अर्थ क्या है हंसना। ये सब हमने देखे धातु। अब इसी धातु के अनेक हम इसे आकार दे सकते हैं, हम इस धातु से शब्द बना सकते हैं, शब्दों से हम वाक्य रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इस धातुओं को हम किस तरह से चलाएंगे। जैसे हमने पहले ही लिया, मैं सर्वनाम सिखाया था आपको, सर्वनाम में मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था। जैसे मोहन लिखती, मोहन संज्ञा है, और मोहन की जगह हम संज्ञा न इस्तेमाल कर हम सर्वनाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर्वनाम में क्या आएगा, सह लिखती, मोहन न संबोधन कर वह लिखता है। सह लिखती, सह पढ़ती, सह हंसती, सा लिखती, सा क्या हो गया है फीमेल, स्त्रीलिंगी में अगर इस्तेमाल करना हो, माला पढ़ती। अगर इस तरह सेंटेंस बनाया हमने, माला पढ़ती, माला पढ़ती है। मगर इसको अगर सर्वनाम इस्तेमाल करना है, माला को कट करके वहां पे सर्वनाम इस्तेमाल करना है, तो हम क्या बोलेंगे, सा पढ़ती, वह पढ़ती है, इसे कहेंगे धातु, ठीक है ना। इस धातु के हमने क्या किए, शब्द बना दिए पढ़ना। अब इस शब्द के हम वाक्य रचना बना सकते हैं, जैसे सह पढ़ती, सह चलती, सह वदती, सह हसती। यह हो गया फीमेल, ये सॉरी ये हो गया है मेल, मतलब पुल्लिंग में। अगर हम इसको स्त्रीलिंगी बनाने हैं, सा पढ़ती, सा लिखती, सा चलती, सा वदती, ऐसे आएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे लकार। आज का हमारा पॉइंट क्या है, लकार। लकार का अर्थ होता है टेंस, ठीक है। आप टेंस पढ़ते हो अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उसी तरह संस्कृत में भी टेंस है। तो संस्कृत में टेंस कितने हैं, तो 10 टेंस, ठीक है, 10 लकार है। इस लकार का अर्थ होता है टेंस। ये लकार संस्कृत में 10 है। 10 लकार कौन कौन से हैं, लट लकार, लंग लकार, लूट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, लीट लकार, लूट लकार, एक होता है लूट, ल में रू की मात्रा, एक होता है लूट, और एक होता है लूट, लूट लकार, लिंग लकार, लंग लकार, ऐसे कुल मिला के आपको 10 लकार हैं। तो अब इस छठी कक्षा के लिए केवल आपको 2 लकारों से परिचित होना है। केवल आपको पढ़ना है वर्तमान काल और एक भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, एंड देन आफ्टर फ्यूचर टेंस। केवल आपको 6 स्टैंडर्ड में 2 टेंस पढ़ने हैं, 7 में जाओगे तो आपको 5 पढ़ने हैं। ऐसे आपके स्टैंडर्ड वाइज आपके लकारे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं लट लकार। लट लकार आप पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको उसके प्रत्यय भी याद होंगे। लट लकार माने वर्तमान काल। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं लट लकार, लट लकार हम देख रहे हैं वर्तमान काल। अब इसे पुरुष कितने होते हैं,
कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, देहात्म उत्तम पुरुष। उसे मैंने आपको सिखाया था ती पह अंति, सिखाया था ना। अगर हमें याद करना है इसके शॉर्ट फॉर्म सिखाए थे, अगर हमें लट लगा के प्रत्यय याद करने हैं तो ती तह अंति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सी थह थ, उत्तम पुरुष मी वह मह। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसके लिए इस्तेमाल होता है? थर्ड पर्सन के लिए। कोई तीसरा व्यक्ति है, वहां पे आप नहीं हो, वहां मैं नहीं हूं, कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें बात करना है तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रथम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष हमने जैसे इस्तेमाल किया, मोहन लिखती, हमने क्या कहा? मोहन लिखती, मोहन लिखता है। तो यहाँ पे हमने किसका प्रत्यय इस्तेमाल किया? ती प्रत्यय इस्तेमाल किया, यहाँ पे लग गया ती। धातु कौन सा लिया हमने? धातु के ही शब्द बनाएंगे और शब्दों से वाक्य बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने ती लिया। तो यहाँ पे धातु कैसा लिया? लिखो, लिख धातु में कैसे है? नहीं, लिख धातु माने लिखना। धातु तो अनेक प्रकार के हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। अब ये हमने लिख धातु से हम क्या करेंगे? इसके रूप चलाएंगे, इसके प्रत्यय चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिया हमने धातु लिख, तो कैसा बना वो? लिखती, यहाँ पे लिख लिया लिखत, यहाँ लिया लिखंती। इस ख में क छुपा हुआ है, इस कारण से क चला जाएगा, लिखंती, लिखती, लिखत, लिखंती, ऐसे आपको उसका उच्चारण करना है। ती तह अंति, ती तह अंति, प्रथम पुरुष। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है? मैंने लिया मोहन लिखती, अब यहाँ पे दो मोहन लिखेंगे, मोहन लिखत, यहाँ पे बहुत सारे मोहन लिखते हैं, मोहना लिखंती। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष के शब्द रूप प्रकरण हुए। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के प्रत्यय क्या है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। सी नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा है? याद आ रहे हैं आपको प्रत्यय? बताए थे मैंने आपको कौन से प्रत्यय है वो? सी नेक्स्ट, आप बताइए कौन सा है? राइट, सी थ। अब हमको इसमें चलाना है धातु। धातु क्या है? यहाँ पे लिख, लिखती, यहाँ पे चलाएंगे लिख सी, बन गया। यहाँ सारे हलंत होते हैं, ये जब आप इसके प्रत्यय से रूप चलाएंगे तभी हलंत तो फट जाएगा और यहाँ पे ये हलंत भट के पूरा हो जाएगा। लिखती, लिख थ, लिख थ। अब उत्तम, अब मध्यम पुरुष का इस्तेमाल होता है। मध्यम पुरुष कौन होता है बेटा? मध्यम पुरुष माने आपके सामने का पर्सन, आपके सामने कौन बैठा हुआ है? तू होता है, तुम दोनों, तुम सभी। संस्कृत में कहते हैं त्वम, युवाम, यूयम। क्या बोलते हैं? तुमको क्या कहते हैं? त्वम। तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम। और तुम सभी को क्या कहते हैं? यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। फिर से बोलिए मेरे साथ साथ, त्वम, युवाम, यूयम। तुम अकेले, तुम दोनों और तुम सभी, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, तो आप इसके ऐसे करेंगे। हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया, लिखो धातु में लगाया सी थ, तुम लिखते हो। अब मध्यम पुरुष मार्ग हो गया ना तुम, और ये क्या है? एक वचन, केवल एक व्यक्ति को संबोधन कर रहे हो आप, तो क्या बोलोगे आप उसे? त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। यहाँ पे युवाम, तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखो, तुम दोनों लिखते हो, क्यों? ये द्विवचन के पक्ष में है, द्विवचन, युवाम लिखो कह। अभी बहुवचन में आ जाइए, यहाँ पे क्या आएगा? युयम, युयम लिखत, सॉरी युयम लिखत, तुम सभी लिखते हो। ठीक है ना, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तम पुरुष का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। मुझे अपने लिए बात करनी है तब मैं उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे उत्तम पुरुष के भी प्रत्यय हमने याद किए हैं पीछे दासिका में। उत्तम पुरुष क्या है? मी, इसमें तो कहते हैं आमी, बट मैंने उसको भी शॉर्ट कर दिया है,
आमी या फिर केवल मी, आमी, आव, आव, जैसे आपके पास दिया हुआ है, आपके पास टेक्स्टबुक है, टेक्स्टबुक में भी आपको दिए हुए हैं, लगा दिए हैं, आमी, आव, आव, आमी, आव, आव, अभी आ कैसे आया? अभी तक मैंने आपको बताया मी वह मह, मैं केवल आपको बताया था मी वह मह, केवल इससे भी शॉर्ट बताया था आपको मी वह मह, पर इस बार क्या बताया आमी, कैसे आया क्यों? अब धाम क्या आएंगे, धातु है हमारा लिख, लिख माने लिखना, तो इस लिख धातु को हम चलाएंगे लिखामी, ली, अभी ख में आ मिल गया है ना, ख फलंत अधिक आ इक्वल टू आखा, लिखामी यहाँ पे आ जाएगा लिखामी। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हमने लिया लिखामी, ठीक है ना, आम है, अभी ली आव, ली आव, आव बोलेंगे क्या, ली खा वह, ली ख, ख फलंत अधिक आ, उसमें ली खा वह, ये आ को हम कर देंगे ली खा, इस ख में आ छुपा हुआ है ना। नेक्स्ट लिखा मह, लिखा मह, ख अधिक आ इक्वल टू खा, यहाँ पे करेंगे लिखा मह, इसी तरह ये लट लगा के प्रत्यय चलेंगे, और आपको ये प्रत्यय चलाने हैं और इस तरह से इसे याद करना है। कैसे याद करेंगे आप, ती तह अंति, ती तह अंति, नेक्स्ट सी थह थ, एंड नेक्स्ट मी वह मह, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के ये प्रत्यय हैं। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से धातु, नए नए धातु लेकर, जैसे धातु मैंने दिए यहाँ पे पट, चल, वद, हस, लिख, इसके बाद में बहुत सारे धातु आपके ग्रामर के टेक्स्टबुक में दिए हुए हैं, लेसन नंबर 3, उसमें नृत्य, गर्ज, भ्रम, बहुत सारे धातु दिए हैं, तो धातु का प्रयोग कर कर आप क्या करेंगे, उसे लट लकार में चलाकर देखेंगे। जैसे ये लट लकार चलाया हमने, लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह, तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह चलाएंगे और अब आप अपना पीएच लिख लेंगे, ठीक है। पीएच क्या करना है आपको, मेक अ सेंटेंस इन संस्कृत, आपको सेंटेंस बनाने हैं संस्कृत में, वाक्य रचना कैसे करेंगे आप, जैसे धातु लेना है आपको, धातु मैंने आपको दिया वद, अब वद के लिए एक सेंटेंस बनाइए आप, ट्राई करिए, चलिए कौन करेगा, एक वद लेकर आप सेंटेंस बनाइए, जैसे मोहन वदती, बन गया आपका सेंटेंस, इट्स सो इजी, मोहन वदती, राधा पठती, आपने धातु क्या लिया, पढ़ लिया, और आपने उसका सेंटेंस बना दिया। किसी का नाम लेना है, अगर सर्वनाम से सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे हम, सह हसती, सह माकार होता है वह, वह हसता है, सह हसती, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्या होगा, सा हसती, वह हसती है, ट्रांसलेशन सेम नो चेंज, बट पुल्लिंग और स्त्रीलिंगी में अंतर है, पुल्लिंग का हम क्या करते हैं सह, सह माने वह, तो स्त्रीलिंगी में वह का अर्थ होता है सा, कोई विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है सा। तो अब आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, आपका पीएच क्या है, इस धातुओं का इस्तेमाल कर कर, इस धातुओं का प्रयोग कर कर आपको सेंटेंस बनाने हैं, मेक इट 10 sentences, ओके 10 sentences कैसे बनेगा, एक बार यहां देख लेते हैं, आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, हाँ पीएच, जैसे अभिनव, अभिनव क्रीडति, अभिनव खेलता है, बन गया सेंटेंस, सेंटेंस बन गया अभिनव क्रीडति। अब आपको सेंटेंस बनाना है जैसे राधा चलती, क्या बनाएंगे आप, राधा चलती, आपने धातु बोल कर रहे थे चलत, धातु बनाए चलत, और इसमें अभिनव में क्या है क्रीड, तो इस तरह से आपको आपका पीएच करना है, ठीक है। आप ये पीएच करेंगे और आशा करती हूँ आपको समझ में आया, लेसन समझ में आया होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद, पुनः मिलाप।